बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनों हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उसूली तौर पर और 360 एंगल पर ख़बरों की तफसील जानने के लिए खुश आमदीद। एक बड़ा अफसोसनाक इस वक्त इंसिडेंट आपके साथ मैं तफसीली तौर पर शेयर कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ ही एक पाकिस्तान आर्मी की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बहादुरी भी सामने है, वो भी आपके सामने रखूँगा। खबर ये है कि पाकिस्तान का और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर लाइन लगता है, जिसको ड्यूरन लाइन कहते हैं, उसके ऊपर एक तनाज़ा खड़ा हुआ है पाकिस्तान की आर्मी और अफ़गान तालिबान के जो सोल्जर्स हैं उनके दरमियान। और ये ना सिर्फ तनाज़ा बातों की हद तक हुआ है, बल्कि वहाँ पे मामूली सी झड़प भी हुई है, जिसके नतीजे में कुछ फायरिंग में ज़ख्मी भी हुए हैं लोग। अच्छा, ये मामला क्यों पेश आया है ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। ड्यूरन लाइन का मसला असल में क्या है, और हमें हर दो तीन सालों में या छः महीनों में या पिछली गवर्नमेंट्स में भी इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो देखने को क्यों मिलते रहे हैं, उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बॉर्डर लाइन इशू है वो है क्या। एक तो वो आपको मैं बताऊँगा, दूसरा इस कहानी के अंदर, इस खबर के अंदर जो ट्विस्ट इस वक्त मुझे डॉट्स कनेक्ट करके समझ आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि कल भारत के अंदर एक हंगामी तौर पे अफगानिस्तान के हवाले से इजलास बुलाया गया, जिसके अंदर पांच ममालिक ऐसे भी शामिल हुए जो पाकिस्तान के अंदर OIC इजलास के अंदर शिरकत करने के लिए यहाँ पर मौजूद थे, मगर जैसे ही भारत से कॉल आई तो वो अफगानिस्तान के इजलास के हवाले से OIC का इजलास छोड़ कर दिल्ली चले गए। तो एक चीज़ तो ये जहन में रखें कि किस तरीके से उन लोगों ने यहाँ पे इस्लामाबाद के इजलास को छोड़ा और वो दिल्ली चले गए। अब दूसरा इसमें इशू ये है कि जिस तरीके से कल ट्विटर के ऊपर एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें LOC के ऊपर भारतीय कुछ कमांडर्स ने माइक पकड़ रखा है, उसके अंदर वो बड़ी वाज़े तौर पर बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो ये इलाका छोड़ दे, वरना हम यहाँ पर स्ट्राइक्स करेंगे और हमारी उन तमाम जगहों के ऊपर भी स्ट्राइक्स होगी जो पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ एरियाज लगते हैं। वीडियो मैं इसलिए नहीं दिखा सकता कि हमारे दो तीन दोस्तों ने जो है वो वीडियो अपने चैनल के ऊपर दिखाई है, जिसकी वजह से उनके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक्स आए। अगर आप अभी ट्विटर के ऊपर जाके ISPR का एक ट्रेंड कर रहा है उसके ऊपर जाके देखें तो आपको ये वीडियो बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अच्छा, ये दोनों बातें जब आपस में कनेक्ट होती हैं ना, तो उसके बाद आज जब ये तनाज़ा खड़ा हुआ कि अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है ड्यूरन लाइन, उसके ऊपर उन्होंने बार जो लगी हुई थी उसको भी उखाड़ दिया और फायरिंग भी की, ना सिर्फ फायरिंग की बल्कि इतनी गलीज़ और क्या मैं इसको इस्तारतन बात करूं कि क्या वहाँ पे बातें की गई, यानी ये जुमले वहाँ पे कसे गए कि तुमसे लड़ना यानी पाकिस्तान से लड़ना और पाकिस्तान की आर्मी से लड़ना हमारे लिए ऐसे ही है जैसे हम यहूदियों से लड़ रहे हैं या यहूदियों से भी किसी बदतर कौम से लड़ रहे हैं, यानी यहाँ तक अल्फाज जो हैं वहाँ पर कहे गए। और ये जो बात है किसी मामूली बंदे की तरफ से नहीं कही गई, बल्कि ये अफगानिस्तान की आर्मी के बड़े टॉप क्लास जो लीडर हैं उनकी तरफ से कही गई है। एक तो मामला आपको मैं ये तनाज़ा जो है इसके हवाले से अपडेट कर देता हूँ। तनाज़े को समझने के लिए आपको ड्यूरन लाइन के बारे में थोड़ी सी मामूली सी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर बताना बड़ा ज़रूरी है कि ये इतना अहम क्यों है कि यहाँ पर ये तनाज़ात अशरफ गनी की हुकूमत में भी खड़े हुए और हामिद करजई की हुकूमत में भी यहाँ पर मसले हुए। असल में इशू ये है कि जब पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन नहीं हुई थी और ये इकट्ठे थे, सब कॉन्टिनेंट था, यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो अफगानिस्तान का एरिया था, अफगानिस्तान में अपनी आज़ाद मुख्तार रियासत थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान की जो सरहद है उसके दरमियान जो अपनी लाइन एक बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए बनाई उसको ड्यूरन लाइन कहते हैं। और ये एग्रीमेंट हुआ कि ये पाकिस्तान यानी ये सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है और ये अफगानिस्तान का हिस्सा। अब उस लाइन को ना सिर्फ सब कॉन्टिनेंट के अंदर बल्कि इंटरनेशनली भी जो जियोपॉलिटिक्स है उसके अंदर भी उसी लाइन को क्रॉस बॉर्डर माना जाता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। अब ये तकरीबन कोई 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है और जितनी भी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर लाइन खींची गई थी उसी को हतमी तौर पर 1947 के अंदर पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर माना गया। अलबत्ता उसके ऊपर भारत की तरफ से भारी इन्वेस्टमेंट्स करके पिछले 30-35 सालों में
अफगान गवर्नमेंट्स को भड़काया जाता रहा कि पाकिस्तान से आप जो है वो इस लाइन के ऊपर तनाज़ा खड़ा करें कि हमारा इलाका जो है वो अटक तक है और ये जो लाइन है हम इसको नहीं मानते। तो भारतीय जो जितनी भी मंसूबाबंदी थी वहाँ पर आप जानते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके से उन्होंने अपनी जासूसी का पूरा चैप्टर और रॉ ने जिस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर कर रखी थी, तो वो पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए मामलात किए जा रहे थे। तो बाकायदा तौर पर जो है वो हर गवर्नमेंट के अंदर ये टास्क मिलते रहे गवर्नमेंट्स को कि पाकिस्तान के साथ आप इस लाइन के ऊपर तनाज़ा खड़ा करें कि ये जो हमारा एग्रीमेंट था ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ था, अब जो कि आप पाकिस्तान का अलग आपकी रियासत है तो हमारे साथ दोबारा से ये लाइन खींचे, जो कि एक बड़ी गैर मुनासिब सी बात है और एक ऐसी बात है कि जिसके ऊपर जानबूझ के सिर्फ तनाज़ा खड़ा करने वाली बात है। अब ये जो है मामला, इस मामले के ऊपर हुआ ये है कि पाकिस्तान ने जो 2600 किलोमीटर का वो एरिया है, वो जो पूरी एक बॉर्डर लाइन है उसके ऊपर कुछ 2000 से ज़ायद किलोमीटर का जो एरिया है उसके ऊपर बाढ़ मुकम्मल लग चुकी है और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है बाकायदा तौर पर हो चुकी है। ये कुछ ऐसा एरिया था जिसके ऊपर अभी वो बाढ़ का काम जारी था और मुकम्मल नहीं हुई थी, वहाँ पर ये तनाज़ा खड़ा हुआ और वहाँ पर उनकी जो तालिबान की फोर्सेस थी, जो सोल्जर्स थे, उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को वहाँ पर गालियाँ भी दीं और पाकिस्तान को मुर्दाबाद भी कहा और कहा यहूदियों से बदतर लड़ना होगा और आइंदा अगर यहाँ पर आपने बाढ़ लगाने की कोशिश की तो हम बाकायदा तौर पर, और उनकी तरफ से ना सिर्फ बल्कि बातें की गई बल्कि फायरिंग का तबादला भी हुआ। अब पाकिस्तान आर्मी की यहाँ पर हिकमत अमली ये थी कि दुश्मन तो चाहता ही यही है कि किसी ना किसी तरीके से अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का जो मसला है, तनाज़ा है, वो खड़ा किया जाए और इन दोनों को आपस में उलझाया जाए, लड़ाया जाए, और जैसे ही पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ उलझे तो हम जो है वो कश्मीर और गिलगित वाला जो साइड एरिया है उसके ऊपर हमला करके वहाँ पे उसको कंट्रोल हासिल कर सकें। ये वो मास्टर प्लानिंग है भारत की जिसको पाकिस्तान आर्मी ने अपनी खामोशी से और हिकमत अमली से तोड़ा है। यानी पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के उन चंद सोल्जर्स की जो इनफरादी तौर पे अपनी एक कोशिश थी उसके ऊपर बेवकूफाना तौर पे हमला नहीं किया, जवाब नहीं दिया, सुकून से काम लिया, क्योंकि ये सब जानते हैं कि अभी वहाँ पर बाकायदा तौर पे इस्टेब्लिशमेंट और उनकी फोर्सेस की जो है वो तरतीब नहीं हो सकी, तो अभी भी उनकी सफ़ों के अंदर ऐसे गद्दार मौजूद हैं कि जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो मामला है वो ख़राब हो। यानी आप एक सेकंड के लिए सिर्फ सोचिए, मैं आपके सामने सिर्फ एक रीज़न रखता हूँ कि पाकिस्तान ने OIC का इतना बड़ा इजलास बुलाया इस्लामाबाद में किसके लिए, अफ़गानिस्तान के लिए, और अफ़गानिस्तान के इशू के ऊपर जो है वो दुनिया भर से जो पाकिस्तान लड़ रहा है इस वक्त, जो बात कर रहा है, कोई बेवकूफ़ भी हो तो वो ऐसे मुल्क के साथ बदतमीज़ी नहीं करेगा और कोई इस तरह का पंगा नहीं लेगा। तो फिर ये इतना बड़ा तनाज़ा कि पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर गालियाँ देना, ये होता ये है कि जो मरकज़ी क़यादत होती वो इस तरह के मामलात को नहीं ऑन करती। ये कुछ चंद शरपसंद अनासर होते हैं जिन्होंने ये काम करना होता है और जो दुश्मन के हथकंडे बन जाते हैं और दुश्मन के जो इरादे होते हैं उनके ऊपर चल के नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर इस तरह का मरकजी क़यादत से कोई मामला होता तो वो OIC में शिरकत ही ना करते। और दूसरी बात कि पहले भी आपको याद होगा कि बॉर्डर के ऊपर एक मरतबा ट्रक से पाकिस्तानी झंडा उतार के उसको जलाया गया था, जिसका ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तरफ से एक्शन भी लिया गया और उन्होंने भी उस मुजाहिद को सज़ा भी दी और बाकायदा माफ़ी मांगी कि ये किसी का इनफरादी फैसला हो सकता है, इज्तमाही तौर पे अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का फैसला नहीं हो सकता। तो जितनी भी कोशिशें इस वक्त भारत की तरफ से की जा रही है, यानी टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान की आप वेबसाइट के ऊपर जाके देखें, उन्होंने इसके ऊपर एक बाकायदा आर्टिकल पूरा छाप दिया है कि पाकिस्तान का जो है वो अफगानिस्तान से चैप्टर बंद हो गया। तो किसी इनफरादी फैसले के ऊपर इतने बड़ी कौमें जो हैं वो अपने फैसले नहीं किया करते। उम्मीद है कि जल्द ही अफगानिस्तान की जो सुप्रीम लीडर हैं और जो हुकूमत, उनकी तरफ से फैसले आएंगे, इंशाल्लाह वो भी आपके सामने रखेंगे। इन सब तफसीलात के साथ अभी आपको मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे, आप मुझे मेरे फेसबुक और ट्विटर अकाउंट के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला पाकिस्तान का और पाकिस्तान के नौजवानों का आमीन आसर हो। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।